इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पार्ट टू। पिछले वीडियो में हमने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर आधारित फंड्स की बात की थी, पर वो सब कुछ नहीं था। इन फंड्स के और भी क्लासिफिकेशंस हैं, जिनका आधार है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं या किस तरह के शेयर्स रखते हैं। ये सब जानने से इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिल सकती है। मान लीजिए आपको अलग अलग तरह के फ्रूट्स चुनने की आज़ादी मिल जाए, कई किस्म के कई पेड़ों से एक गार्डन में से एक रेगुलर फ्रूट बास्केट की कीमत पर। यही म्यूचुअल फंड्स का मुख्य आधार है, डाइवर्सिफिकेशन अपेक्षाकृत कम कीमत पर। इस सिद्धांत को बढ़ाने के लिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स के मिक्स्ड बास्केट में फैलाता है। पर सुनिए, आपकी तरह कई लोगों को सिर्फ एप्पल्स पसंद हैं, जिससे एप्पल्स काफी पॉपुलर और डिमांड में हैं। इसका मतलब कई कंपनीज को भी जो एप्पल्स की ग्रोथ में मदद करने वाले इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं, एप्पल्स की पॉपुलैरिटी से फायदा होगा। जी हाँ, जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पनपती है तो सभी सप्लायर्स को भी ऊपर ले जाती है, और यही तरीका है हमारे सेकंड टाइप के इक्विटी फंड्स को क्लासिफाई करने का। ये फंड्स एक से ज्यादा इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका आमतौर पर आपस में कोई नाता होता है। हालांकि ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है, जिसके आधार पर इक्विटी फंड्स उन सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं, जिनकी वजह से कंट्री के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर असर पड़े या फायदा हो। हाँ, पर सच ये है कि किंग ऑफ फ्रूट्स जैसा कोई फ्रूट नहीं, और वो है मैंगो। आपने ये नोटिस किया कि कैसे सभी तरह के मैंगोज हमेशा डिमांड में रहते हैं, फिर वो अल्फांसो हो, दशहरी हो, लंगड़ा हो, दूधिया हो या मालदा। हर कोई सिर्फ मैंगो खाना चाहता है, तो शायद आपको अपना सब कुछ उसी एक ग्रैंड फ्रूट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये तरीका है सेक्टर फंड्स को क्लासिफाई करने का। इस कैटेगरी के फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स का फोकस सिर्फ चुनिंदा इंडस्ट्रीज की तरफ होता है। उस सेक्टर की कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाना और इन्वेस्टर को उसमें ऑफर की गई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का अवसर देना। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है फार्मा, FMCG इत्यादि। और किसने कहा कि आप ये फ्रूट सिर्फ इसी गार्डन से खरीद सकते हैं? आजकल हम जिन सुपरमार्केट्स में जाते हैं, वहाँ सारी दुनिया के फ्रूट्स हैं, है ना? तो दुनिया के बाकी गार्डन्स के बारे में क्या ख्याल है? कुछ बढ़िया फ्रूट्स वहाँ भी हैं? बिल्कुल सही। इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर डाइवर्सिफिकेशन भी काफी पॉपुलर है, जो इन्वेस्टर को अपने देश से बाहर की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने का अवसर देता है। ऊपर से डिफरेंट इकोनॉमीज और कंट्रीज में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से फायदा भी होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। अच्छा है ना? बिल्कुल। अपने सामने इतने सारे इक्विटी ऑप्शंस देखना शायद काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर उम्मीद है कि आपने सभी फ्रूट्स को अलग अलग भागों में बांट दिया होगा, हर क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स अच्छी तरह समझकर। इस इन्फॉर्मेशन को समय देकर अच्छी तरह रिव्यू करें, क्योंकि एक बार आप डिफरेंसेस समझ गए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।